सुभाग्य सुकुमार चुनाव आज मैं बताऊंगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में, और आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनके माध्यम से जो कि आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे बहुत ही अच्छी खासी ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ऐसे कई सारे तरीके हैं, ऐसे कई सारे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, ऐसे कई सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे जिनको आप फॉलो करके अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्राफिक ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इंस्टेंट ट्राफिक कैसे मिलेगी इसके बारे में आपको गाइड करने वाला हूँ। इसके बारे में कुछ ऐसी अगर बात करें ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपकी ब्लॉग या वेबसाइट पर इंस्टेंट ट्राफिक डाइवर्ट करने में मदद करेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दूँ ऐसी कई सारी वेबसाइट हैं, कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और जहाँ पे अगर हम बात करें तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन काम करने का मतलब ये है कि आप वहाँ पे कंटिन्यूसली आप काम करेंगे, जब भी जाके आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिलता है और जब भी जाके आप जो कि यहाँ पे ट्रैफिक लाते हैं। देखिए आपने एनालाइज़ किया होगा तो जितने लोग अगर हम बात करें ट्रैफिक लाके गूगल एडसेंस से कमा रहे हैं उनको आप देखेंगे तो वो एक या दो दिन में कोई काम नहीं करते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि एक या दो दिन में कोई काम नहीं होता है, कोई भी बिजनेस एक या दो दिन में रन नहीं होता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो मैं भी जो ट्रैफिक लाके इनकम कर रहा था वो एक या दो दिन में नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सा समय गया, लेकिन ये दो तीन महीने का जो समय जाता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको कैसे काम करना है, कैसे धैर्य रखना है, किस तरीके से आप जो कि स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से तरीके फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप गलत ट्रैक पर चले गए हैं और आपको लग रहा है कि मैं सही ट्रैक पर हूँ और काम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। मैं आपको इंस्टेंट ट्रैफिक के कुछ आइडियाज़ देने वाला हूँ और ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है कि आप इंस्टेंट ट्रैफिक अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे लेके आएंगे और कैसे जो है कि आप इंस्टेंटली गूगल एडसेंस के माध्यम से इनकम करेंगे। तो ट्रैफिक बहुत ज़रूरी होता है हमारी ब्लॉग या वेबसाइट के लिए और ट्रैफिक के माध्यम से ही हम इनकम कर पाते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो तरीका जिसके माध्यम से आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर इंस्टेंट ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। देखिए इंस्टेंट ट्रैफिक लाने के लिए दो तीन ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो में और उनका आपको यूज़ करना है। उनका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो भी अच्छा है, अगर कंटिन्यू नहीं बने रहेंगे तो भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कंटिन्यू बने रहें वहाँ पर। उससे आपको क्या होगा कि एक अच्छी ऑडियंस बिल्ड होगी, मतलब एक अच्छी स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो कंटिन्यू किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप काम करें, चाहे वो अगर हम बात करें फेसबुक पे काम करें, चाहे अगर हम बात करें किसी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आप काम करें जहां से आप ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं, तो वहां पे उस स्ट्रेटजी को अगर हम बात करें उसे कंटिन्यू रखना, इसे बनाए रखना, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। और इसको आप कंटिन्यू बना के रखते हैं दो तीन महीने तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। बात करते हैं ट्रैफिक की, कैसे ट्रैफिक मिलेगी, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा टेलीग्राम को। टेलीग्राम से आप जो है कि बहुत ही अच्छे ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे ट्रैफिक ला सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये सारी चीज़ें कैसे होगी, कैसे मैं टेलीग्राम पे जो है कि ऑडियंस बनाऊँ, ये सारी चीज़ें करूँ, वो सब बकवास है ऐसा लगता होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऑडियंस बनाना बहुत ही ईजी है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे टेलीग्राम पर ऑडियंस, कैसे आप गेन कर सकते हैं, क्या तरीका आपको यूज़ करना है। आपने SMM पैनल का नाम सुना होगा, उसके माध्यम से आपको जो है कि वहाँ पर टेलीग्राम पर ऑडियंस लेके जाना है। बहुत इजी है, अगर आप इसको समझ जाएंगे, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप अच्छी तरीके से और कम्प्लीटली देखेंगे तो बहुत ही आसान से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ और किस प्रकार से जो है कि लोग दूसरे लोग कर रहे हैं। ये ट्रिक को मैं पूरा खुल के नहीं बता सकता, ओपनली नहीं बता सकता, इसीलिए आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं एक्चुअल में बोल क्या रहा हूँ, समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर अपना एक चैनल बनाना है, चाहे वो मूवीज़ का हो गया या फिर अगर हम बात करें वो आपको अपना आइडिया लगाना है, वो सब आपका ट्रिक है। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जो उसको फॉलो करिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप जो कि मूवी से रिलेटेड बनाइए या फिर किसी और जो है कि रिलेटेड जो कि चैनल बनाइए, और चैनल बनाने के बाद जो है कि उस पर क्या करना, उस तरह के कंटेंट आपको देना शुरू कर देना है, ठीक है, अपने चैनल पर उस तरह का कंटेंट देना है। अब आप सोचेंगे कंटेंट तो दे रहा हूँ लेकिन जो है कि मुझे अगर हम बात करें वहाँ पर फॉलोअर्स नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, तो ट्रैफिक आएगी कहाँ से। तो यहाँ पे मैं आपको तो SMM पैनल का इस्तेमाल करके वहाँ पे ट्रैफिक सेंड करना है, और जब ट्रैफिक सेंड करेंगे तो आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे, और जब फॉलोअर्स मिल जाएंगे तो आप इजीली वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊँ इंस्टेंट ट्रैफिक मिलती है, और ये 2 से 3 दिन का काम है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप जो है कि आसानी से जो है कि 20 से 30 हज़ार की ट्रैफिक आसानी से गेन कर सकते हैं बहुत ईजिली। क्योंकि होता क्या है कि SMM पैनल बहुत ही चीप प्राइस में आपको बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन बहुत सारे SMM पैनल जो है बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो स्पैम कर रही हैं, मतलब 90% SMM पैनल जो है कि स्पैम कर रही हैं, तो 10% ही बहुत ही अच्छी हैं। उनके बारे में मैं आपको आगे चल के गाइड करूँगा कि कौन कौन से SMM पैनल आपको यूज़ करने चाहिए और कौन कौन से मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसके माध्यम से मैं अगर बात करें अलग अलग सोशल मीडिया पर ट्रैफिक भेज रहा हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो कि टेलीग्राम से ये सारी चीज़ें करें, आप जो है कि फेसबुक पेजेस से भी कर सकते हैं, आप जो कि इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं, और
जितने भी अलग अलग सोशल मीडिया है उनसे कर सकते हैं। होता क्या है कि पहले हम SMM पैनल पे जाते हैं और वहाँ से सेंड करते हैं ट्रैफिक जो कि टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे जब फॉलोअर्स हमारे बढ़ जाते हैं, जब फॉलोअर्स अच्छे खासे हो जाते हैं, उसके बाद जो कि हम उस टेलीग्राम चैनल में अपनी अगर हम बात करें वेबसाइट का लिंक देते हैं, जिससे हमें अच्छी खासी ट्रैफिक मिल जाती है। लेकिन ज़रूरी है कि टेलीग्राम से अगर आपको कुछ अगर हम बात करें बिल्कुल नया एडसेंस अकाउंट है और टेलीग्राम से आप लेके जाते हैं ट्रैफिक, तो एड्स लिमिट का चांसेस बढ़ता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपका एडसेंस अकाउंट थोड़ा ओल्ड हो, मतलब 2 से 3 महीने ओल्ड हो, और अगर उतना ओल्ड है तो आप इजीली जो है कि यहाँ से ट्रैफिक गेन कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी ट्रैफिक यहाँ से आप लेके आ पाएंगे। सो ये तरीका आपको कैसा लगा, ये आइडियाज़ कैसा लगा? अगर आप SMM पैनल के बारे में जानते हैं तो कमेंट करिए, अगर आप SMM पैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा किसी से SMM पैनल का इस्तेमाल करना है और कैसे काम करता है, मतलब ये कितना चीप प्राइस में आपको सर्विस देता है, मतलब 30-20 रुपये में आपको अच्छी खासी यहाँ पर अगर हम बात करें तो टेलीग्राम के ऑडियंस दे देता है, टेलीग्राम के मेम्बर्स दे देता है 30-20 रुपये में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के गाइड करूँगा, आगे चल के बताऊँगा, लेकिन ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप SMM पैनल को जानते हैं तो कमेंट करिए, और अगर आप नहीं जानते तो भी आप कमेंट करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।